टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास के पास ग्रीन विला बिल्डिंग में लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। 27 जनवरी को MMRDA द्वारा की गई खुदाई के दौरान बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और इमारत धोखादायक हो गई थी। हालांकि उस वक्त खबरें भी चली थी, शासन प्रशासन और स्थानीय समाज सेवक रेहान पीतलवाला ने दोस्ती में ग्रीन विला में रहने वालों को शिफ्ट करने की बात कही थी, मगर आज भी इस खतरनाक इमारत में लोग रहने को मजबूर हैं। इमारत में रहने वाले लोगों ने क्या कहा है और इनकी शिफ्टिंग को लेकर समाज सेवक रेहान पीतलवाला ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ग्रीन विला बिल्डिंग। ओके, क्या हुआ है एग्जैक्टली अभी तक के रिपेयर का काम? आपको वो उसी दिन बोला था कि उसी दिन बोले थे कि आज रात कहीं रिश्तेदार किधर निकाल लो, तो सुबह में कहाँ जाएंगे अपना, जब एक ही आशियाना है तो वो छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, बोले 3 महीने के लिए शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद में रिपेयर करके मिलेगी बिल्डिंग। और उस दिन से लाइट पानी सब काट दिए थे, 4 दिन कुछ भी नहीं था। तो अभी फिलहाल है लाइट? हाँ, फिर उसी दिन बोले कि अभी तो कुछ फिलहाल हो नहीं रहा है, जोड़ देते हैं। कहाँ जाएंगे रिश्तेदार, कितने दिन, कौन से रिश्तेदार किधर कौन जाएगा? आप लोगों को डर नहीं लग रहा क्या ऐसी अभी बिल्डिंग लग रहा है? रात दिन डर लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं? आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं भी यहाँ पे ही रहती हूँ। क्या हुआ? ये बिल्डिंग को खाली करने बोला गया था, आपको शिफ्टिंग करने बोला गया था, तो आप लोग अभी तक गए नहीं यहाँ पे? अभी तो हमारे मंसूर भाई जो भी थे वो अभी तो आए, अभी बोल रहे कर रहे, तो इसीलिए ना अभी क्या बोले, ये लोग कहना बोल रहे खाली करो करो, पर जाएंगे कहाँ, किसके घर पे जाएंगे, कौन हम लोग को एक दिन रखेगा? तो आपको बोला गया था कि यहाँ से खाली करके महाड़ा पे जाने के लिए वहाँ पे आपको रूम देने वाले थे, तो उसका क्या हुआ, वो बात क्या हुआ? वो अभी से कुछ नहीं हुआ है, चाबी नहीं, अभी तक चाबी नहीं मिला, जैसा बोल के बोले अभी तक चाबी। आप लोगों ने कॉन्टेक्ट किया उन लोगों से, या तो रेहान पीतलवाला जो यहाँ के है गए थे? रेहान भाई भी कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्या कर सकते जब सामने वाले नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। चाबी मिलेगी तो इसलिए रुके हैं, रेहान सही है, सर पे ही भरोसा है हमको, क्या करते हैं अभी। ओके, और ये इतने 27 तारीख से अभी तक यहाँ की पब्लिक है ना, सब जागी रहती है रात में, और बच्चे सोते हैं डर के मारे, कभी गिर जाए तो दिन में 1 घंटा सोने मिलता, फिर भी जागे रहते, पहरेदारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब सब जागी रहती है औरतें। आप लोगों को भी डर लगा हुआ है इसके बाद? खौफ है, सबके दिल में खौफ है कि अब भी बिल्डिंग गिरेगी, बाद में गिरेगी, सब रात दिन में कोई सो रहा नहीं है, रात भर कोई सोता नहीं है, जागते और कब हादसा हो जाए, क्या हो जाए, किसी को मालूम। ये जो मसला है ये कम से कम 4 से 5 रोज पहले का है। मेरी लगातार कोशिश चल रही है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे सारे ऑफिसर जो हमारे स्थावर के कंसर्न ऑफिसर है, हमारे महेश अहिर साहब जो हमारे दीवा के इस इलाके के मरकज़ी इलाके के AMC भी हैं, हम उनसे भी राफ्ता कायम कर रहे हैं, और उनके हिसाब से जो नया DSR आया, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, धोखादायक बिल्डिंग को TMC शिफ्टिंग नहीं देगी। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अहिर साहब से हमें ये कंक्लूशन पे हम आए हैं कि जो लोग उस रिहाइश करते हैं इस बिल्डिंग में, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर लोग हैं, और उस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए उन लोगों को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोविज़न नहीं होते हुए भी हमारे साहब ने हमारे साथ में बहुत कोऑपरेट किया और हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये शिफ्टिंग का प्रोसीजर पूरा कर दिया जाएगा, और उसके बाद में MMRDA के ज़रिए हमारे लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, उस बिल्डिंग में जो रिहाइश करते हैं लोग उन पर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए और MMRDA उनको बिल्डिंग को रिपेयर करके दे दे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और इसी मंसूबे के तहत हमें लोगों को शिफ्ट करना है, और शिफ्टिंग होने के बाद MMRDA से हमें उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग शुरू करानी है। कब तक चालू हो जाएगा? इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में अल्लाह ने चाहा, मेरी बात हमारे सारे ऑफिसरान से चल रही है, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 2 से 3 दिन में शिफ्टिंग का काम शुरू कर देंगे, लोगों को शिफ्ट कर देंगे, जो उनका अल्टरनेट अकोमोडेशन है शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उनको परमानेंटली वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। उनकी बिल्डिंग का काम, मुरम्मत का जो रिपेयरिंग का काम कम्प्लीट होते के साथ उनको वापस इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा।